हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चीजी कॉर्न पनीर टोस्ट, जो क्रिस्पी होगा और बहुत टेस्टी होगा। चीजी अगर आप चीज ज्यादा लाइक करते हैं तो बहुत पसंद करेंगे, बड़े तो पसंद करेंगे ही, बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। तो ये देखिए, हमने लिया है कॉर्न, फ्रोजन कॉर्न को बॉइल कर लिया है, हाफ बाउल है। पनीर के मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, उस तरह से आप कर सकते हैं। टोमेटो केचप लिया है 1 टेबल स्पून, कुछ थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया है, चीज स्लाइस हैं, क्यूब है ये अमूल का प्रोसेस चीज का, ये मोजरेला चीज है अमूल वाला, तंदूरी मेयोनीज मैं यूज कर रही हूँ, बटर है रूम टेम्परेचर पर, 4 स्लाइस ब्रेड के हैं, आटा ब्रेड है, और ये हमने कुछ चिली फ्लेक्स लिए हैं, ऑरिगेनो है और सॉल्ट है जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यमी चीजी कॉर्न पनीर टोस्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम इसके जो मिक्सचर है उसको बनाएंगे, यानी पहले हम इसमें कॉर्न डालेंगे, अब हम इसमें ये पनीर के पीसेस डालेंगे, कम ज्यादा जितने सैंडविच बनाने हैं उतना आप कर सकते हैं, इसका कोई ऐसे मेजरमेंट नहीं है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ, थोड़ा ग्रीन कलर देने के लिए, और इसमें हम डालेंगे ये केचप 1.5 टीस्पून, और इसमें डालेंगे हम ये बीबा की मेयोनीज, तंदूरी मेयोनीज। इसको डाल के जितना आपको चाहिए, जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है, टेस्ट करके देख लें। मैं इसको 1 चम्मच भरकर डाल रही हूं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं हम। ये देखिए, ये बाइंड भी हो गया है और बहुत अच्छा तैयार हो गया है, देखिए है ना, आपको पास से दिखाती हूँ, अच्छे से बाइंड हो गया है। तो आइए अब इसको टोस्ट पर लगाते हैं। तो हम ब्रेड लेंगे और ब्रेड पर हम दोनों तरफ बटर लगाएंगे, दोनों साइड में हम लगा लेंगे, और आप इसको तवे से नीचे ही असेंबल कीजिए। और यहां आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब हमारा ये सैंडविच तैयार हो जाए, ये टोस्ट तैयार हो जाए, तभी हम इसको गैस को ऑन करेंगे तवे को, क्योंकि अदरवाइज वो जल जाएगा। तो ऐसे हम दोनों तरफ इसके बटर लगा लेंगे। तो ये लग गया है बटर, और अब क्योंकि चीजी है तो अब हम ये लगा रहे हैं इस पे चीज स्लाइस, इसके ऊपर हम रखेंगे ये फिलिंग, जितनी आपको पसंद है, और हमने इसको टेस्ट करके देख लिया है, नमक वगैरह सब परफेक्ट है, रेड चिली फ्लेक्स भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, ग्रीन चिली आप काट कर डाल सकते हैं। तो इसको हम इक्वल ऐसे फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये मोजरेला चीज डालेंगे, इसके बाद हम इसमें ये ग्रेट करेंगे चीज, जो क्यूब हमने ली है उसको अच्छे से चारों तरफ ग्रेट कर लेंगे। जैसे आप चीज बर्स्ट पिज्जा खाते हैं ना, तो आपका ये चीज बर्स्ट टोस्ट हो गया। ये देखिए, ये भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, ऑरिगेनो, सॉल्ट आपको बहुत देखकर डालना है, क्योंकि सॉल्ट जो है वो हम चीज में भी है और सॉसेज में भी है, और थोड़ा सा हरा धनिया। इसको रखते हैं हम तवे पर, और मुझे याद रहा कि मैंने शायद फिलिंग में जो है चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, बट आप फिलिंग में भी थोड़े से डालिए और ऊपर से भी, मैं वो भूल गई थी डालना। इसको हमने देखिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रखा है गैस को, ताकि क्या है हमारे ये मेल्ट हो जाए चीज, और पीछे से ब्रेड जो है वो जले नहीं। तो अब हम इसको कवर करके पकाते हैं, और चीज मेल्ट होने की इंतजार करते हैं। अब ये जो बचा था ना मसाला, इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ये ऑरिगेनो डाल देंगे इसके अंदर भी, और इसमें मैं चीज नहीं लगा रही हूं बीच में एक स्लाइस, इसको मैं सीधा ऐसे कर रही हूं, जिनको चीज कम पसंद है वो स्लाइस ना लगाएं। ये मोजरेला चीज जाएगा ऊपर से, हमने चीज स्लाइस नहीं लिया है, यानी ये कम चीज जिनको पसंद है वो इस तरह से यूज करें, और ऊपर से हम इसको ग्रेट करेंगे।
वो आप फिर कितना भी, जितना मतलब कम ज्यादा आपको चाहिए उतना आप इसको ग्रेट कर सकते हैं। और ऊपर से कुछ धनिया की पत्ती और कुछ ये चीज चिली फ्लेक्स डाल देंगे और ये रेडी है सिकने के लिए। तो ये देखिए चीज जो है वो पूरा मेल्ट हो गया है अच्छे से। ये हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, आप देख रहे हैं ना साइड से पूरा अच्छे से पिघल गया है। तो यानी हमारा ये तैयार है, हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो ये देखिए हमारा साइड से ये चीज पिघल गया है, थोड़ा बहुत है तो ऊपर का है, वो चाहें तो आप और क्रिस्पी कर सकते हैं। और ये मैं आपको नीचे से भी दिखाऊं, ब्रेड इधर से साइड से बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। देखिए आप, ये मैं साइड से दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी क्रिस्पी हो गई है। तो हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। अब हम जो दूसरा रख रहे हैं वो हम रख रहे हैं इस पैन में, और इस पे चाहें तो आप थोड़ा सा स्लाइस तोड़ के डाल सकते हैं, अदरवाइज जैसे हमने लगाया नीचे लगा सकते हैं। और अब हम इसको कवर कर देंगे और चीज मेल्ट होने तक इंतजार करते हैं। अब आप इसके देखिए इस तरह से स्लाइस करिए, आवाज सुन रहे हैं आप, है ना क्रिस्पी। तो ये क्रिस्पी टोस्ट है, ये देखिए यम्मी सा लगने वाला ये टोस्ट बनकर तैयार है। जरूर ट्राई कीजिएगा और मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ अभी। तो आइए चेक करते हैं, और ये देखिए बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो गया है, बहुत बढ़िया ये बना है। तो यानी अगर कम चीज का खाना है तो आप ऐसे खा सकते हैं, यकीन मानिए बेहद टेस्टी है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो लग रहा है ना अच्छा, इसको हमने कट नहीं किया है, एज इट इज रहने दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ज्यादा से ज्यादा आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। थैंक यू सो मच।